ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए
उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया, जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना, जो बुराई के विनाशक। दूसरा हिस्सा आपको पता है, देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। मेरी परीक्षा मत लो। उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है। Yeah.
वे तुमसे जो भी चाहते हैं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं कसम खाती हूँ। मेरे साथ माँ दुर्गा है। हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। मिल गया, वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए? इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था।
राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया?
ये तो समय ही बताएगा।